हम बात कर रहे थे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ठीक है ना? सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की, और पैरेलल का सवाल तो मैंने एक कराया भी था आपको, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन होगी हमारे पास में। देखो बेटा, ये है हमारे पास में दो प्लेटें, ठीक है? एक प्लेट पर चार्ज की डेंसिटी है प्लस सिग्मा, दूसरी प्लेट पर चार्ज की डेंसिटी है माइनस सिग्मा। दोनों प्लेटों के जो बीच का गैप है ये हमें दिया गया है डी, ठीक? हमने कैपेसिटर की प्लेटों को दो इस तरीके से डिवाइड करके दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। एक ये वाला पार्ट हो गया, यहाँ एक मटेरियल को फिल करा दिया। एक ये वाला पोर्शन हो गया, यहाँ एक मटेरियल को हमने फिल करा दिया। इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K1 है, और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K2 है, ठीक है? ऐसी सिचुएशन है हमारे पास में, आ जाता है कई बार इस तरीके की प्रॉब्लम भी सॉल्व करने को। हमें बताना है कि टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो सबसे पहले मैंने आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहचान करना सिखाया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहचान कैसे होती है, जब प्लेट से कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री। वो आपका परपेंडिकुलर, यानी वो आपकी पैरेलल कंडीशन की पहचान है बेटा, ठीक है? ये देखो, पूरी प्लेट का एरिया होगा ए, आधी प्लेट का एरिया हो जाएगा a/2, और यहां पर भी इस प्लेट का एरिया हो जाएगा हमारे पास में a/2। तो इसकी जो कैपेसिटेंस हमारे पास में होगी वो कितनी होगी? देखो भाई ध्यान से, फर्स्ट पोर्शन की कैपेसिटेंस मेरे पास में कितनी होने वाली है? थोड़ा इधर से होके बैठो, इधर होके बैठो, सारे के सारे इधर होके बैठ जाओ। वो पोर्शन पूरा खाली कर दो, पूरा खाली कर दो वो पोर्शन, इधर होके बैठो। तुम्हारे चक्कर में मेरी वीडियो खराब हो जाती है यार, तो तुम्हें वहां समझाने के चक्कर में मैं यहां पहुंच जाता हूं और ये मेरा आधा फेस कट जाता है यहां पर, ठीक है? इधर होके बैठा करो थोड़ा सा। अब देखो, ये दिख रहा है आप लोगों को हाफ पोर्शन, इसकी कैपेसिटेंस है C1। हमने इसकी कैपेसिटेंस को क्या लेट कर दिया है? C2। पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पहचान कर पाओगे कैसे है पैरेलल कॉम्बिनेशन? डॉटेड लाइन प्लेट के कैसे है? परपेंडिकुलर। तो C1 की वैल्यू देखो हमारे पास में क्या रहने वाली है। C1 की वैल्यू रहने वाली है एप्साइलन नॉट, डाइलेक्ट्रिक कितना है K1, आधी प्लेट, आधी प्लेट का एरिया कितना होगा a/2, और दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है डी। सो C1 की वैल्यू हो गई हमारे पास में ये एप्साइलन नॉट K1a/2d, ठीक है? ये इस पोर्शन की, आधे पोर्शन की कैपेसिटेंस ये है। बाकी के आधे पोर्शन की कैपेसिटेंस कितनी होगी जरा ध्यान से? बाकी के आधे पोर्शन में आप देखो एप्साइलन नॉट, क्लियर? एरिया कितना है बाकी के आधे पोर्शन का a/2, डाइलेक्ट्रिक कितना है k2, डिस्टेंस कितनी है d। ये C1 की वैल्यू, ये C2 की वैल्यू, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला है ये, CP इज इक्वल टू C1 + C2। अब आप देखो बेटा, C1 की वैल्यू हो जाएगी एप्साइलन नॉट ए K1/2d, और C2 की वैल्यू हो जाएगी एप्साइलन नॉट ए K2/2d। क्या कॉमन आ जाएगा आपके पास में? यहां पर आपके पास में कॉमन आएगा CP इज इक्वल टू एप्साइलन नॉट a/2d, और अंदर बचेगा हमारे पास में K1 + K2। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की हमारे पास में कैपेसिटेंस हो जाएगी, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की कंडीशन है, ठीक है? समझ आ गई बात? अब ऐसी एक कंडीशन ऑलरेडी मैं आपको कल करा चुका हूं, नोट करना है आप लोगों को ये, या सीधा सीरीज पर पहुंच जाऊं? करना है जल्दी से कर लो। हो गया, ठीक है। अभी हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। देखो भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन की कंडीशन क्या है हमारे पास में? आपको सीरीज कॉम्बिनेशन के सवाल मिलेंगे आगे। अब सवाल मिले उससे पहले ही हम लोग पढ़ लेते हैं यार। ये प्लस सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा है। हमने प्लेटों के जो बीच का पोर्शन है वो प्लेट के पैरेलल ऐसे,
देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो हम ऐसे कट कर रहे थे प्लेट के परपेंडिकुलर, और यहां सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने कट किया है प्लेट के पैरेलल। इस डिस्टेंस को हमने नाम दिया है डी वन और इस डिस्टेंस को हमने नाम दिया है डी टू। ठीक है, यहां पर हमने एक मटेरियल को फिल करा दिया है, हमने यहां एक मटेरियल को फिल करा दिया है और इस मटेरियल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है के वन। यहां हमने एक और मटेरियल को फिल करा दिया है, यहां जो हमने मटेरियल फिल कराया है ना बेटा, उस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के टू। एक मटेरियल यहां फिल कराया, एक मटेरियल यहां फिल कराया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के टू। पहले ये बताओ कि सीरीज की पहचान क्लियर है ना, कैसे करेंगे? प्लेट के पैरेलल कट करेंगे ऐसे, और अगर प्लेट के परपेंडिकुलर कट करेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। मैंने लेट किया कि इसकी जो कैपेसिटेंस है वो है सी वन और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है सी टू। देखो सी वन की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, सी वन कितना होने वाला है, सी वन होगा एप्साइलन नॉट, एप्साइलन नॉट। ठीक है, एप्साइलन नॉट के साथ में आता है एरिया। देखो सी वन के साथ पूरी प्लेट कॉन्टेक्ट में है, क्यों भाई है या नहीं है? सी वन के साथ पूरी प्लेट कॉन्टेक्ट में है, पूरी प्लेट का एरिया हो गया ए, डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हो गया के वन और डिस्टेंस हो गई हमारे पास में डी वन। ये सी वन की वैल्यू होगी, डिस्टेंस होगी डी वन, क्योंकि सिर्फ इसकी कैपेसिटेंस हमें बतानी है कितनी होगी। सिमिलरली देखते हैं सी टू की वैल्यू क्या होगी बेटा हमारे पास में, सी टू कितना होने वाला है, सी टू इज इक्वल टू एप्साइलन नॉट, पूरी प्लेट का एरिया कितना होगा जल्दी से बताओ, पूरी प्लेट का एरिया अगेन ए, डायलैक्ट्रिक कितना है हमारे पास में के टू और डिस्टेंस कितनी है डी टू। ठीक है, ये हो गई सी वन की वैल्यू, ये हो गई सी टू की वैल्यू, हो गई ये सी वन सी टू। और चूंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है, वन अपॉन सी एस इज इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, जरा ध्यान से देखिए, हम लिखेंगे वन अपॉन सी एस इज इक्वल टू सी वन की वैल्यू है एप्साइलन नॉट ए, साथ में है के वन, अपॉन में है डी वन। सी टू को हम लिखेंगे वन अपॉन एप्साइलन नॉट ए, यहां है के टू और यहां है डी टू। ठीक है, जो भी सी वन की वैल्यू थी वो सी वन की जगह रखी, जो सी टू की वैल्यू थी वो सी टू की जगह रखी। सो वन अपॉन सी एस इज इक्वल टू, बेटा दोनों से कॉमन आ जाएगा वन अपॉन एप्साइलन नॉट ए, डी वन की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर, ये बनेगा डी वन अपॉन के वन प्लस डी टू अपॉन के टू। जल्दी बताओ इतना समझ में आया या नहीं आया? सीरीज कॉम्बिनेशन है, सी वन सी टू निकाल दिया, फॉर्मूला पता है, वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, आगे हमें फर्दर इसे करना है सॉल्व। ठीक है, तो जब हम इसे और सॉल्व करेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, वन अपॉन सी एस इज इक्वल टू वन अपॉन एप्साइलन नॉट ए, एलसीएम आएगा के वन के टू, यहां बनेगा डी वन के टू प्लस डी टू के वन। ठीक है, एलसीएम लेकर हमने इसे सॉल्व कर दिया, उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो सी एस की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास में एप्साइलन नॉट ए, यहां आएगा के वन के टू और यहां आएगा डी वन के टू प्लस के टू डी वन। तो बेटा इस साल के लिए ऐसा क्वेश्चन ना काफी इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों से पूछा जाए सीरीज कॉम्बिनेशन, और मेरे हिसाब से आप कर दोगे, परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए। हमने इसकी कैपेसिटेंस निकाली, इसकी कैपेसिटेंस निकाली, मेन बात जो है वो पहचान की है कि कौन सीरीज वाला है और कौन पैरेलल वाला है। समझ पा रहे हो सीरीज वाला ये कैसे है? सीरीज का फॉर्मूला ये है हमारे पास में, सी वन सी टू को रखा, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर हमारा बन चुका है। ठीक है, अच्छा यही डायग्राम जो मैंने ऐसे बनाया है ना बेटा, यही डायग्राम आपके पास में कुछ ऐसे भी हो सकता है। इस प्लेट पर है प्लस सिग्मा, इस प्लेट पर है माइनस सिग्मा, ठीक है, और ऐसे बीच में से कट कर देंगे। तो यहां तो मैंने ये डायग्राम वर्टिकल बनाया है, यहां पर यही डायग्राम आप लोगों को हॉरिजॉन्टल दे दिया है, डायलैक्ट्रिक है के वन और यहां का डायलैक्ट्रिक कितना है के टू, आपसे कैपेसिटेंस पूछ ली जाएगी कितनी होगी। समझ में आ रही बात? तो हॉरिजॉन्टल भी आ सकता है, वर्टिकल भी आ सकता है, बस पैरेलल और सीरीज की पहचान आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। जल्दी करिए नोट डाउन।
उल्टा कर दिया, वन अपॉन सी एस था ना ये, अच्छा दोनों सेम लिख दिए मैंने, ओके ठीक है, समझ आ गया ना। देखो बेटा आगे नेक्स्ट कंडीशन देखो क्या है हमारे पास में। देखो एक प्लेट पर हमें दे रखा है प्लस सिग्मा, दूसरी प्लेट पर है हमारे पास में माइनस सिग्मा, दोनों प्लेट के जो बीच का गैप है वो हमें दिया है डी, हमने दोनों प्लेटों के बीच में ये ऐसे एक मटेरियल फिल कर दिया बेटा पार्शियली, ठीक है, हमने यहाँ बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया है कुछ ऐसे, और इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जो चौड़ाई है वो है टी, ठीक है, और मटेरियल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो के है। फर्स्ट प्लेट इज कनेक्टेड टू सोर्स एंड लास्ट प्लेट इज कनेक्टेड टू अर्थ, ये सिचुएशन है हमारे सामने, हमें इसकी कैपेसिटेंस बतानी है कितनी होगी। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, समझ रहे हो सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों है, क्योंकि प्लेट के पैरेलल बन रही हैं स्ट्रिप्स, ठीक है। मैं कह सकता हूं कि यहां दो मीडियम है, एक तो खाली जगह है एयर एयर, और एक बीच में मटेरियल भरा हुआ है, यानी यहां दो कैपेसिटेंस को निकालकर उन्हें सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैंने इस खाली जगह की कैपेसिटेंस को मान लिया है C1, क्या मान लिया है, यहां भी C1, यहां भी C1, और इसकी कैपेसिटेंस को क्या मान लिया है। चलिए हम देखते हैं कि C1 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में, C1 होगी भैया हमारे पास में एप्सिलॉन नॉट, देखो C1 के साथ पूरी प्लेट कॉन्टेक्ट में है, तो यहां एरिया कितना आएगा ए, यहां कुछ नहीं है एयर है, तो एयर का डाइलेक्ट्रिक हो गया वन, अरे हुआ या नहीं हुआ, हमें एयर एयर की डिस्टेंस देखनी है कितनी होगी, सिर्फ एयर एयर की डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है डी, और जिस डिस्टेंस में मटेरियल को फिल कराया गया है वो डिस्टेंस कितनी है टी, तो खाली एयर की डिस्टेंस कितनी मिलेगी, खाली एयर की डिस्टेंस हमें मिलेगी डी माइनस टी, आया समझ में, तो हमने डी माइनस टी से इसे डिवाइड कर दिया, ये निकल गई सी वन की वैल्यू। सिमिलरली अब हम निकालते हैं सी टू, सी टू है इस मटेरियल की कैपेसिटेंस, सो एप्सिलॉन नॉट, देखो ये भी ऊपर से लेकर पूरा नीचे तक है, यानी पूरी प्लेट के पैरेलल है, तो पूरी प्लेट आएगी इसके अंदर, पूरी प्लेट का एरिया है ए, अरे भाई समझ आया, डायलैक्ट्रिक कितना है के, और इसकी मोटाई कितनी है, ये हो गया टी, ये सी वन ये सी टू, सी वन सी टू दोनों लिख दिए मैंने, हम पहचान कर पा रहे हैं कि ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला है वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू। अब आप देखो बेटा वन अपॉन कैपेसिटेंस सी वन की जगह हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए, अपॉन में आएगा डी माइनस टी, सी टू की जगह हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए के, अपॉन में आएगा टी। हाँ भाई बच्चों कॉमन क्या आने वाला है जरा जल्दी से बताइए, एप्सिलॉन नॉट ए वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, डी माइनस टी पहुंच जाएगा ऊपर, और ये बन चुका है हमारे पास में टी अपॉन के, टी ऊपर पहुंच गया के इसके अपॉन में रह गया, आगे समझ में। ये वन अपॉन सी एस की वैल्यू है, लेकिन क्या हमें वन अपॉन सी एस चाहिए, नहीं हमें तो ओनली कैपेसिटेंस चाहिए, तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो बताओ कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, एप्सिलॉन नॉट ए अंदर क्या बचेगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, बोलो भाई जल्दी से समझ में आया या नहीं आया, ये होगी हमारे पास में कैपेसिटेंस, ठीक है क्लियर हो गई ना बात, एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस के टी प्लस टी अपॉन के, ये ब्रैकेट यहां से अपॉन में चला जाएगा, ठीक है ये होगी हमारे पास में टोटल कैपेसिटेंस इस कंडीशन के अंदर। अब सेम यही क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रखा है, यहां पर हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है, अब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हमें गिवन दिया गया है, लेकिन उससे पहले डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तो डेरिवेशन आप अच्छे से नोट करिएगा अपनी कॉपी के अंदर। हो गया समझ आ गया सभी लोगों को, ठीक है गुड। अब ध्यान रखा ये कि ये हमारा सीरीज
कॉम्बिनेशन की कंडीशन है बेटा, अगर हमने कोई मटेरियल को पार्शियली फिल किया है इसके अंदर। ठीक है, देखो प्रॉब्लम कैसी पूछी जाएगी हम लोगों से। देखो ये क्वेश्चन हमारे पास में ना बेटा इसके ऊपर ही बेस्ड है, बिल्कुल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये, और हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। बहुत ध्यान से आप देखेंगे, अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के, ठीक है, एज अ सेम एरिया एज अ प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट हैज अ थिकनेस, जो हमें थिकनेस उसकी दे रखी है ना बेटा वो थिकनेस है ये 3/4 × d, हमें मटेरियल की जो थिकनेस दे रखी है वो ये है 3/4 × d, वेयर d इज द सेपरेशन ऑफ द प्लेट, हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट। ठीक है, तो पहले हमें दो सिचुएशन बनानी पड़ेगी। उसने कहा कि अगर हमने ये इतनी मोटाई का स्लैब है, अभी डायग्राम आपके सामने बनाया था, अगर मैंने प्लेटों के बीच में फिल करा दिया तो कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले आप ये देखो, फिल कराने से पहले कैपेसिटेंस कितनी थी, जब तक आपने स्लैब को फिल नहीं कराया है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये है या नहीं है। जब हमने दोनों प्लेटों के बीच में इस मटेरियल को फिल करा दिया है तो हमारे पास में कैपेसिटेंस हो गई है बेटा ये एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस के टी प्लस टी अपॉन के। अभी जस्ट मैंने आपको ड्राइव कराया, फिल कराने से पहले कॉमन फार्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, फिल कराने के बाद ये फार्मूला जो जस्ट अभी हमने ड्राइव किया। बस करना क्या है, यहाँ पर हमें ये करना है कि टी की जगह क्या रखना पड़ेगा हम लोगों को 3/4 × d। समझ में आ रही बात, चलिए रखते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर बनेगा। एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, यहाँ है अपने पास में डी माइनस टी की जगह हम रखेंगे 3d/4 प्लस टी की जगह हम रखेंगे 3d/4 और अपॉन में है के। क्यों भाई, समझ में आया नहीं आया, क्या बचेगा हमारे पास में, जरा ये बताओ। हमारे पास में बचेगा एप्सिलॉन नॉट ए, डी में से 3d/4 को माइनस करेंगे तो ये बनेगा d/4 प्लस 3d/4 के। हाँ बेटा, कॉमन क्या आ सकता है बता पाओगे, क्या बनेगा कॉमन आपके पास में, d/4, यहाँ क्या बनेगा हमारे पास में 1 + 3/k बनेगा ना, यही समझ में आ रही सभी लोगों को बात। ओके, तो आप मुझे ये बताओ एप्सिलॉन नॉट ये a और ये क्या है d, क्या लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d को, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d को हम लिख सकते हैं c, सो c डैश इज इक्वल टू c। ओके, यहां पर है हमारे पास में 1/4 और यहां पर है हमारे पास में 1 + 3/k। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा k + 3/k। क्यों भाई, बनेगा या नहीं बनेगा, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो क्या बनेगा 4kc/k+3। लो भैया, अगर हमने दोनों प्लेटों के बीच में एक मटेरियल को फिल करा दिया तो दो प्लेटों के बीच में मटेरियल को फिल कराने के बाद में कैपेसिटेंस इतनी हो जाएगी। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये कंडीशन कब है, जब तक हमने प्लेटों के बीच में कुछ भी फिल नहीं कराया है। और ये कंडीशन कब है, जो जस्ट अभी हमने ड्राइव की थी, हमने एक स्लैब फिल करा दिया दोनों प्लेटों के बीच में, उसकी थिकनेस हमें कितनी दे रखी है, उसकी थिकनेस हमें दे रखी है 3d/4, तो बस टी की जगह हमने 3d/4 किया और सॉल्व किया तो ये कंडीशन हमारे पास में बन गई। ठीक है, ओके। ओके, ठीक है भैया, अब हम बात करेंगे भाई शेयरिंग ऑफ चार्ज एंड कॉमन पोटेंशियल की। उस पर खूब सवाल मिलने वाले हैं आप लोगों को, शेयरिंग ऑफ चार्ज और कॉमन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, लगभग 6 से 7 प्रॉब्लम आपकी पीडीएफ के अंदर भी उसके ऊपर मौजूद है, तो पहले हम कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद में हम आपको क्वेश्चंस कराना स्टार्ट करेंगे। लिखना चाहो तो लिख लो अपनी कॉपी के अंदर, शेयरिंग ऑफ चार्ज एंड कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, शेयरिंग ऑफ चार्ज एंड कॉमन पोटेंशियल, और काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल पूछा जाना, तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसे समझिएगा।
शेयरिंग ऑफ चार्ज एंड कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, देखो भाई अब बात सुनिएगा जरा ध्यान से। यह है हमारे पास में एक बॉडी, इस बॉडी का चार्ज है Q1 और इस बॉडी का पोटेंशियल है V1। इस बॉडी की जो कैपेसिटेंस है वो है C1। हर बॉडी की कैपेसिटेंस फिक्स होती है, इसकी कैपेसिटेंस C1 है। ये दूसरी बॉडी है, इसका चार्ज है Q2, इसकी कैपेसिटेंस है C2 और इसका पोटेंशियल है V2। समझ में आ रही बात आप लोगों को? ये दो बॉडी है शुरुआत में हमारे पास में, तो हम कह सकते हैं भैया इनिशियल चार्ज कितना होने वाला है। इनिशियल चार्ज हमारे पास में रहने वाला है, जरा ध्यान से, इनिशियल चार्ज हमारे पास में रहने वाला है, इस बॉडी की कैपेसिटेंस कितनी है C1 और पोटेंशियल कितना है, तो इस बॉडी का चार्ज रहेगा बेटा C1V1। शुरुआत में, स्टार्टिंग में जो इस बॉडी का चार्ज रहेगा वो C1V1 रहेगा। इस बॉडी का चार्ज कितना रहेगा, कैपेसिटेंस कितनी है और पोटेंशियल कितना है। चार्ज निकालने का फॉर्मूला है कैपेसिटेंस को वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसका चार्ज हो गया C2V2। समझ में आ गई सभी लोगों को बात? अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने इन दोनों बॉडीज को बाय यूजिंग अ मेटेलिक वायर दोनों को ज्वाइन करा दिया। ऐसे एक मेटेलिक वायर का यूज करके हमने दोनों को ज्वाइन कराया। अगर हम मेटेलिक वायर का यूज करके दोनों को ज्वाइन कराएंगे तो इनकी कैपेसिटेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पहले भी कैपेसिटेंस C1 C2 थी, अब भी C1 C2 ही रहेगी। हाँ, इनका पोटेंशियल जरूर सेम हो जाएगा, क्योंकि दो बॉडी को टच कराने से या दो बॉडी को किसी वायर से ज्वाइन करने से पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि फाइनल चार्ज कितना होगा इनके ऊपर, फाइनल चार्ज कितना होगा इनके ऊपर, फाइनल चार्ज इसकी कैपेसिटेंस कितनी है और पोटेंशियल है V, तो ये हो गया C1V। इसका कितना है भाई, C2V। जल्दी बताओ, समझ में आया नहीं आया? इनिशियल चार्ज है C1V1 प्लस C2V2, फाइनल चार्ज है C1V प्लस C2V। अच्छा, चार्ज रहता है कंजर्व, हम रिविजन में भी पढ़ के आए कि चार्ज कंजर्व रहेगा, ना चार्ज बनेगा ना डिस्ट्रॉय होगा, कंजर्व रहेगा। यानी जितना इनिशियल चार्ज होगा बिल्कुल उतना ही फाइनल चार्ज होगा। तो आप मुझे बताइए कि इनिशियल चार्ज कितना है, C1V1 प्लस C2V2 और फाइनल चार्ज कितना है, C1 प्लस C2 इंटू V। सो V की वैल्यू हमारे पास में निकलेगी C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। दो बॉडीज को ज्वाइन करने से उनके बीच में कॉमन पोटेंशियल इस्टेब्लिश हो जाएगा और उस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू इतनी होगी C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। बताओ समझ में आया है नहीं आया? ठीक है, अच्छा, इनके ऊपर जो चार्ज आ गया है दोनों को ज्वाइन कराने से वो इतना आ गया है। इसका चार्ज कितना हो गया है, Q1 डैश कितना हो गया है, और इसका चार्ज हो गया है Q2 डैश। तो देखो Q1 डैश की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास में, Q1 डैश की वैल्यू है C1V। दोनों को पहले चार्ज कितना था, अब कितना है, क्या तो ये Q1 डैश Q1 से कम होगा या उससे ज्यादा होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा, सेम नहीं होगा। समझ में आ रही बात? तो इसका चार्ज हो गया Q1 डैश, Q1 डैश का फॉर्मूला है C1V। समझ में आ रही बात? Q2 डैश कितना होगा बेटा, दूसरी बॉडी का चार्ज कितना होगा, C2V। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। यानी दो बॉडी के जो चार्ज का रेशो होगा वो उनकी कैपेसिटेंस के रेशो के इक्वल रहेगा। दो बॉडी के जो चार्ज का रेशो होगा वो किसके इक्वल रहेगा, कैपेसिटेंस के रेशो के इक्वल रहेगा आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज, यानी कनेक्ट करने के बाद चार्ज का रेशो C1 अपॉन C2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स में, तो पूछ लिया जाता है, जो 1 नंबर में क्वेश्चन बनते हैं ना 1 वर्ड वाले, उसमें आ जाता है ये कि भाई दो बॉडीज़ को कनेक्ट कर दिया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। दो बॉडीज़ को कनेक्ट करने से चार्ज का रेशो कैपेसिटेंस का रेशो के इक्वल रहेगा। अच्छा, होता क्या है बेटा, अगर आप दो बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट कर देते हो ना, तो कनेक्ट करने से हल्की सी एनर्जी का लॉस हो जाता है हीट की फॉर्म में। कई बार क्वेश्चन सिर्फ इतना ही बन जाता है, कई बार तो सिंपल क्वेश्चन आ गया, कॉमन पोटेंशियल बताओ कितना है। यार कॉमन पोटेंशियल तो हमने बता दिया, कितना है कॉमन पोटेंशियल, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 कैपेसिटेंस, V1 पहला पोटेंशियल, C2 कैपेसिटेंस, V2 पहला पोटेंशियल और V है कनेक्ट करने के बाद का पोटेंशियल। अब इस प्रोसेस में जोड़ने के दौरान जो एनर्जी का लॉस होता है, एक तो वो हीट की फॉर्म में होता है, काहे की फॉर्म में होता है, और उस एनर्जी लॉस का बेटा फॉर्मूला होता है हमारे पास में, आप कोई जर्नल कॉन्सेप्ट यूज नहीं करोगे जब आपको बोर्ड का एग्जाम देना है, आप सीधा फॉर्मूले का यूज करोगे सवाल सॉल्व करने के लिए। वहां इतना टाइम आपके पास में नहीं रहेगा कि आप सारे स्टेप उन्हें दिखाओ और बताओ कि कहां से आंसर आया। 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा या किसी का पार्ट में क्वेश्चन बनेगा 1 मार्क्स में,
तो सीधा एनर्जी लॉस का फॉर्मूला है हमारे पास में हाफ सी वन सी टू सी वन प्लस सी टू वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर। ये एनर्जी लॉस का फॉर्मूला है, दो बॉडीज को कनेक्ट करने से जो एनर्जी लॉस होगा उसका फॉर्मूला ये है। ये कॉमन पोटेंशियल है और ये हमारा चार्ज ऑन बॉडीज है आफ्टर द कनेक्शन, कनेक्ट करने के बाद का जो चार्ज है वो इतना रहने वाला है। बताओ समझ में आया नहीं आया? अब हमें सारे वो सवाल करने हैं अभी, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है जो कॉमन पोटेंशियल और एनर्जी लॉस के ऊपर बेस्ड है। बहुत सारी प्रॉब्लम इसके ऊपर बेस्ड है बेटा, बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। समझ में आ गया? कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? जल्दी से बताओ, नोट करना है जल्दी से करो नोट। हो गया? बढ़िया आ गया। अब देखो, चलो पहले ये वाला क्वेश्चन मना लेते हैं, बीच में आ गया है तो बता देते हैं आपको। देखो भाई बात सुनो, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पीको फेरड। भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है वो ये है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और ये आपको दे रखा है 8 पीको फेरड। ठीक है, ये है हमारे पास में वैल्यू। उसने कहा कि बताओ कैपेसिटेंस कितनी होने वाली है अगर हमने डिस्टेंस को रिड्यूस करके हाफ कर दिया है, प्लेटों के बीच के डिस्टेंस को घटाकर हमने डी बाई टू कर दिया है। ठीक है, यानी प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस थी ना वो अब डी से क्या हो गई है, और क्या हुआ, हमने प्लेटों के बीच में एक मटेरियल को फिल करा दिया और उस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, यानी यहां के आएगा और के की जगह हम लिखेंगे 6। बताओ समझ में आया नहीं आया? समझ में आ रही बात? हमने प्लेटों के बीच में एक मटेरियल भर दिया, के की जगह 6 आ गया और डिस्टेंस को हमने घटाकर डी से डी बाय 2 कर दिया। बहुत आसान क्वेश्चन है, दो की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। बताओ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की वैल्यू कितनी है, 8। अरे है या नहीं है? 12 की मल्टीप्लाई 8 में करोगे पीको फेरड आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताइए समझ आया नहीं आया? बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, प्रॉब्लम की लैंग्वेज पढ़ के आप अपने आप से बना पाओगे, कोई दिक्कत विक्कत नहीं होगी आपको। डी को घटाकर डी बाई टू कर दिया और मटेरियल फिल कर दिया, तो स्टार्टिंग में कैपेसिटेंस इतनी थी, फिल करने के बाद में कैपेसिटेंस ये हो गई। हो जाएगा ना अपने आप से? ठीक है, अब देखो ये जैसे प्रॉब्लम हमें दे रखी है बेटा, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ध्यान से देखना, एनसीईआरटी का एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो गौर करो कैसे करेंगे हम प्रॉब्लम को सॉल्व। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज टू बी डिजाइन विद अ वोल्टेज रेटिंग 1 kV यूजिंग अ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 3 एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अबाउट 10^7 वोल्ट पर मीटर। फॉर सेफ्टी वी शुड लाइक द फील्ड नेवर टू एक्सीड से 10% ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मैं आपको समझाऊंगा प्रॉब्लम क्या है, पहले आप एक बार देख लीजिए। हमें पूछा है एरिया कितना होगा, हमें क्या पूछा है? अब देखो सबसे पहले आप ये देखो कि हमारे पास में ना प्रॉब्लम यह है बेटा, एक प्लेट तो यह है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट यह है जिस पर नेगेटिव चार्ज है। ये सोर्स के साथ जुड़ी है, ये अर्थ के साथ जुड़ी है, दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है। ठीक है, और इनके बीच में एक मटेरियल फिल कर रखा है जिसका कांस्टेंट है के, और वो के हमें दिया गया है 3। कितना दिया गया है? चलिए तुम में से मुझे कौन बताएगा क्या फॉर्मूला होगा कैपेसिटेंस का, क्या फॉर्मूला होगा कैपेसिटेंस का, क्या होगा? ए 3 अपॉन, अब आप ये देखो आपको एरिया चाहिए, क्या चाहिए? अब एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, एरिया इज इक्वल टू सी इंटू डी अपॉन 3 एप्साइलन नॉट। क्यों भाई ठीक है, कोई परेशानी किसी को?
बेटा सी तो है अपने पास में, कितना है 50 पीको फेरड, हम सी की जगह लिख देंगे 50 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 फेरड, हो गया। एप्साइलन नॉट हमें पता होता है, एप्साइलन नॉट है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। पूरा मसला आकर कहां पर अटक गया, डी पर। क्या कहां पर, डी नहीं है हमारे पास में, अगर डी होगा तभी हम एरिया निकाल पाएंगे, समझ में आ रही बात। अब डी हम कैसे निकालेंगे पहले आप ध्यान दीजिए। अच्छा डी के अलावा और क्या है हमारे पास में, डी के अलावा हमारे पास में है वोल्टेज, कितना है वोल्टेज 1 किलो वोल्ट, का मतलब है 1000 वोल्ट। वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में इतना है, लेकिन सेफ्टी फैक्टर के तौर पर इसमें से सिर्फ 10% ही हमें लेना है, इसमें से कितना लेना है हम लोगों को, समझ में आ रही बात। वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में 10 की पावर 7 है, लेकिन 10% से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होना नहीं चाहिए, तो 10 की पावर 7 का 10% एक पावर कम हो जाएगी इसके अंदर से, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा हमारे पास में 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर। जल्दी से बताओ, समझ में आया नहीं आया भाई, वोल्टेज हमारे पास में हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में हो गया, एरिया निकालना है तो डिस्टेंस चाहिए होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक बढ़िया सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है वोल्टेज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, समझ में आ रही बात। वोल्टेज कितना है 1000, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10 की पावर 6, तो बेटा डिस्टेंस यहां से निकल जाएगी 10 की पावर -3 मीटर, कितनी निकलेगी कैलकुलेट करके देख लेना, 10 की पावर -3 निकलेगी। तो तुम्हारे पास सी भी है, तुम्हारे पास डी भी है, तुम्हारे पास एप्साइलन नॉट भी है, कैलकुलेट करोगे एरिया निकल जाएगा प्लेट का, आगे समझ में, कर लीजिए नोट डाउन। हो गया, चलो ठीक है। देखो आगे, ये तो बता दिया है हमने आपको, ये भी हो गया था, ये भी हो गया। देखो बेटा, ये है प्रॉब्लम हमारे पास में, ठीक है। क्या है क्वेश्चन जरा समझिए, ये भी एनसीईआरटी का ही एडिशनल एक्सरसाइज का सवाल है, अभी 2 साल पहले मेंस में भी ये क्वेश्चन आया था, बिल्कुल एज इट इज चुका तो सवाल आया था मेंस के अंदर। प्रॉब्लम है हमारे पास में, एन इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन रिक्वायर अ कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफेरड। एक इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है जिसे पूरा अरेंजमेंट बनाना है 2 माइक्रोफेरड का, ठीक है। और सर्किट के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1 किलो वोल्ट, 1 किलो वोल्ट का मतलब क्या होता है 1000 वोल्ट है, ठीक है। 1 माइक्रोफेरड के बहुत सारे कैपेसिटर हैं उसके पास में, बहुत सारे कैपेसिटर हैं। अच्छा, एक कैपेसिटर पर 400 वोल्ट का वोल्टेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब छोटी छोटी बातें हमें दे रखी हैं, सारी बात को जोड़ देते हैं। रिजल्ट हमारे पास में ये निकला, हमें एक अरेंजमेंट बनाना है जिसकी टोटल कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरड होनी चाहिए, समझ में आ रही बात। हमारे पास में 1 माइक्रोफेरड के बहुत सारे कैपेसिटर हैं, उन्हें इस तरीके से जोड़ना है कि एक कैपेसिटर पर 400 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए और एक ब्रांच में मैक्सिमम से मैक्सिमम 1000 वोल्ट होना चाहिए, समझ में आ रही बात। अब देखो क्या कंडीशन हम लोग बनाएंगे बेटा, ये बताओ एक ब्रांच में कितने वोल्ट है 1000। अगर मैंने एक ब्रांच में खाली एक कैपेसिटर लगाया तो 1000 का 1000 वोल्ट एक को मिल जाएगा, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन दूसरी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। दूसरी कंडीशन यह है, एक कैपेसिटर पर 400 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक ब्रांच में तो 1000 है। अरे भाई समझ रहे हो, हमने एक ही कैपेसिटर लगाया, 1000 का 1000 इसे मिल गया, तो इस पे 400 वोल्ट से ज्यादा हो गया ना, वो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अगर मैंने एक ब्रांच में 2 कैपेसिटर लगाए तो एक ब्रांच में कितने वोल्ट है 1000, 500 इसे मिलेगा, 500 इसे मिलेगा। क्या वो जो 400 वोल्ट वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है?
अगर इसे 500 वोल्ट मिला, इसे 500 वोल्ट मिला, तो रिजल्ट के मुताबिक 400 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक पर, लेकिन 500 500 तो 400 से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इस बार हमने क्या किया बेटा, हमने एक ब्रांच में तीन कैपेसिटर लगाए, एक ब्रांच में तीन कैपेसिटर, इसे कितना मिला 333, इसे भी 333, इसे भी 333। समझ में आ रही बात आप लोगों को? बताओ 333 400 वोल्ट से कम है या नहीं है? कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी एक ब्रांच में आपको तीन कैपेसिटर लगाने पड़ेंगे, और एक कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो 1 माइक्रो फैरड है। कितने फैरड है जल्दी बताओ, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? क्यों लगाए हमने एक ब्रांच में तीन, 400 वोल्ट, चार, अगर चार लगा देते तो सेटिस्फाई होता, लेकिन हम चार नहीं, चार में क्यों क्यों ना सेटिस्फाई होता भाई, 1000 वोल्ट को 4 से डिवाइड करते तो 250 वोल्ट आएगा, 400 से कम आएगा। लेकिन वो 4 वोल्ट हम, 4 कैपेसिटर हम इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि उसने हमें क्या कहा है, मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर, कम से कम कैपेसिटर लगाने हैं आपको। समझ में आ रही बात? कम से कम कैपेसिटर लगाने हैं। नहीं समझ में आया क्या? एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है आपके पास में 1, और तीन कैपेसिटर आपने लगा रखे हैं, तो बताइए पूरी ब्रांच की कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? पूरी ब्रांच की कैपेसिटेंस हो जाएगी 1/3 माइक्रो फैरड। एक को उठाकर हमने तीन से डिवाइड कर दिया। ऐसी ऐसी मैंने ब्रांचेस लगा रखी हैं n, कितनी ब्रांचेस लगा रखी हैं? एक ब्रांच की कैपेसिटेंस है 1/3। समझ में आ रही बात? ऐसी ऐसी कितनी ब्रांचेस लगा रखी है मैंने n, और टोटल कैपेसिटेंस कितनी होनी चाहिए? 2 माइक्रो फैरड। तो यहां से n की वैल्यू क्या निकल गई? 6 ब्रांच आ गई। आगे 6 ब्रांच, एक ब्रांच में कितने कैपेसिटर है? 3, और 6 ब्रांच आ गई, तो 18 कैपेसिटर हमें लगाने पड़ेंगे किसके? 1 माइक्रो फैरड के। 1 माइक्रो फैरड के 18 कैपेसिटर हमें यूज करने पड़ेंगे, तब जाकर हमारा ये पूरा अरेंजमेंट तैयार होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस रीडिंग को 400 वोल्ट की जगह 300 वोल्ट कर देता हूँ। कितने वोल्ट कर देता हूँ? अब बताइए मुझे क्या आंसर बनेगा बेटा, अगर मैंने 300 वोल्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है 300 वोल्ट मैंने कर दिया, तो अगर मैंने दो कैपेसिटर लगाए एक ब्रांच में, इस पर कितना आएगा? 500, इस पर भी कितना आएगा? लेकिन 300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो 500 तो गलत हो रहा है। ठीक है, अगर मैंने तीन लगा दिए, 333, 333, 333, वो भी 300 से ज़्यादा हो रहा है। अगर हमने चार लगा दिए, 250, 250, 250, 250, यानी चार कैपेसिटर लगाने पड़ेंगे एक ब्रांच के अंदर। समझ में आया नहीं आया? एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है? 1। कितने कैपेसिटर हैं? सीरीज में जोड़ेंगे चारों एक जैसे, है ना, आंसर क्या बनेगा? 1/4 माइक्रो फैरड आ गया। टोटल कैपेसिटेंस हमें कितनी बनानी है? 2। तो ऐसी ऐसी हमने कितनी ब्रांचेस यूज की? ऐसी ऐसी हमने n ब्रांचेस यूज की। बताओ एक ब्रांच की कैपेसिटेंस कितनी है? नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है? n। सो 1/4 × n, टोटल कैपेसिटेंस कितनी है? 2। बताओ नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी आ गई? 8 आ गई। 8, एक ब्रांच में कितने कैपेसिटर लगा रखे हैं? 4। 8 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे कितना आएगा? 32, यानी 32 कैपेसिटर का अरेंजमेंट होगा हमारे पास में। समझ में आया नहीं आया? तो आ सकता है ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गई ना बात? मैं आपको एक अरेंजमेंट दे रहा हूँ अपनी तरफ से, कोशिश करिएगा अपने आप से करने की। इसे जैसे अभी मत करिएगा, घर जाके करिएगा। एक ब्रांच का पोटेंशियल हो गया आपके पास में 1500 वोल्ट, 1500 वोल्ट। सर क्या बात, लिख नहीं रहे हैं आप, क्या नाम है आपका? क्यों नहीं लिख रहे हैं भाई, सब आता है क्या? लिख रहे हो? एक ब्रांच की जो पूरी की पूरी कैपेसिटेंस है, मतलब एक ब्रांच का पूरा पोटेंशियल है, वो है 1500 वोल्ट, 1500 वोल्ट, 1500 वोल्ट। ठीक है, एक ब्रांच का है पूरा, ओके। और एक कैपेसिटर पर 200 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 200 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 200 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और टोटल जो आंसर आना चाहिए आपका वो 4 माइक्रोफेरड आना चाहिए। पूरा पूरे अरेंजमेंट की जो टोटल कैपेसिटेंस आनी चाहिए वो 4 माइक्रोफेरड आनी चाहिए, और जो आपको यहाँ कैपेसिटर ये यूज़ करने हैं, ये 1/1 माइक्रोफेरड के यूज़ करने हैं, 1/1 माइक्रोफेरड के, 1/1 माइक्रोफेरड के यूज़ करने हैं। आ गया ना समझ में? ट्राई करना अपने आप से इस प्रॉब्लम को और बताना कि क्या आंसर आएगा। चलिए देखो बेटा, ये है हमारे पास में नेक्स्ट प्रॉब्लम। जो सर्किट के सवाल एक साथ कराऊंगा सारे मैं आप लोगों को, पहले वो करा देता हूँ जो अभी जस्ट हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है। हाँ भाई बच्चों, क्या है प्रॉब्लम जरा बताओ? कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बताओ कितनी है? मैंने इसे नाम दे दिया C1। क्या नाम दे दिया? कितने कितने से हमने चार्ज किया?
इसे मैंने नाम दे दिया V1। क्या नाम दे दिया? समझ में आ रही सभी लोगों को बात? बेटा ये कैसा है? अनचार्ज का मतलब है V2 जीरो है। V2 क्या है? और ये वैल्यू किसकी है अपने पास में? ये वैल्यू C2 की है अपने पास में। ठीक है, एक कैपेसिटर इतना, उसकी कैपेसिटेंस इतनी और वोल्टेज इतना। ठीक है, दूसरा कैपेसिटर ये, उसकी कैपेसिटेंस इतनी और वो अनचार्ज है तो उसका वोल्टेज जीरो है। हमें बताना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट कितना होगा। ठीक है, एनर्जी लॉस कितनी होगी, समझ में आ रही बात? एनर्जी लॉस कितना होगा। वैसे तो मैंने आपको एनर्जी लॉस का, सबसे पहले ये बताओ कि एनर्जी लॉस काहे की फॉर्म में होगी? हीट की फॉर्म में। और एनर्जी लॉस का हमने डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता रखा है, आप यूज में लेकर आइए। दो नंबर का क्वेश्चन होगा, पहले फॉर्मूला लिखिए, वैल्यू पुट करिए, आंसर निकल जाएगा आपका। समझ आया नहीं आया? C1 की वैल्यू कितनी है? C2 की वैल्यू 600। समझ में आ रही बात? C1 प्लस C2। V1 की वैल्यू कितनी है? V1 की वैल्यू 200। और V2 की वैल्यू आंसर आएगा जूल में। बताओ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? पक्का? पीको को क्या लिखोगे? 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, हो जाएगा ना। अगर कॉमन पोटेंशियल पूछता, कॉमन पोटेंशियल तो क्या बताते हैं आप? कॉमन पोटेंशियल कैसे निकलेगा? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन, और अगर पूछता कि जोड़ने के बाद, उन्हें कनेक्ट करने के बाद दोनों बॉडीज पर चार्ज कितना होगा, आफ्टर द कनेक्शन चार्ज कितना होगा, कनेक्ट करने के बाद दोनों बॉडी पर सेम पोटेंशियल इतना आ जाएगा। पहली बॉडी पर कितना चार्ज आएगा? Q1 डैश इज इक्वल टू C1 V एंड Q2 डैश इज इक्वल टू C2 V। बोलो समझ में आया नहीं आया? आ गया? पक्का? ठीक, आगे बढ़ जाऊं? कर लोगे मिसबा? कैलकुलेशन हो जाएगी? देखो भाई क्या है प्रॉब्लम, पढ़िए। कितने माइक्रोफेरड का है? 4 माइक्रोफेरड का है। ठीक है, ये काहे की वैल्यू हो गई? C1। अरे काहे की हो गई? कितने से चार्ज किया? क्या हो गया ये? V1। इट इज देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू अनदर। क्या है बेटा? मींस जीरो। और ये कितना हो गया? C2। आया समझ में? क्या पूछा है आप लोगों से? हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वही एनर्जी का लॉस आपसे पूछा है। क्या है एनर्जी लॉस का फॉर्मूला? डेल्टा यू इज इक्वल टू हाफ सी वन सी टू, सी वन प्लस सी टू, वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर। हो जाएगा? पक्का? जल्दी बोलो। ठीक है, चलो देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आप लोगों को इस प्रॉब्लम को देखना है कि कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। करें स्टार्ट। क्या है प्रॉब्लम? देखो आप, फिगर दे रखा है आपको, शोज टू आइडेंटिकल पैरेलल कैपेसिटर। ये दोनों पैरेलल कैपेसिटर हैं, आइडेंटिकल हैं, दोनों की कैपेसिटेंस सेम है, आइडेंटिकल हैं दोनों। कनेक्टेड टू अ बैटरी विद स्विच एस इज क्लोज्ड। स्टार्टिंग में स्विच क्लोज्ड है भाई, ये दोनों पैरेलल में है। बच्चों दिख रहा है ना आप लोगों को? पैरेलल में हम जानते हैं पोटेंशियल सेम रहता है। क्या रहता है? यहाँ V है ना, ये क्या है? पॉजिटिव। ये क्या है? पॉजिटिव पर V, यहाँ भी V, यहाँ भी V, नेगेटिव पर जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ भी जीरो। जल्दी बताओ, समझ में आया नहीं आया? अरे हुआ या नहीं हुआ? यहाँ कितना पोटेंशियल है हमारे पास में? V। यहाँ भी कितना पोटेंशियल है हमारे पास में? V। तो मैं कह सकता हूँ कि इनिशियल एनर्जी, इसकी एनर्जी हो गई हमारे पास में हाफ सी वी स्क्वायर प्लस हाफ सी वी स्क्वायर। देखो कैपेसिटेंस हो गई सी, इसका पोटेंशियल वी, एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर, इसकी एनर्जी भी हाफ सी वी स्क्वायर। कुल मिलाकर इनिशियल एनर्जी हो गई हमारे पास में सी वी स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे सी वी स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? ये इनिशियल एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? इनिशियल। समझ में आ गई बात? अब क्या कहा उसने, मैं रफ कर दूं इसे? अरे समझ आया? याद रखना इनिशियल एनर्जी कितनी है, सी वी स्क्वायर। ठीक है, अब उसने हमसे क्या कहा? द स्विच इज नाउ ओपन एंड द फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 3। फाइंड द रेशो ऑफ टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, हमने क्या किया? स्विच को ओपन किया, यहां से किया स्विच को ओपन। यहां हमने एक मटेरियल को फिल किया, कर दिया एक मटेरियल को फिल। कितना है मटेरियल का कॉन्स्टेंट? 3। ये रहा भाई मटेरियल का कॉन्स्टेंट, हो गया हमारे पास में 3। ठीक है, दोनों में किया है फिल, एक में किया है?
प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स, दोनों में क्या है? ठीक है, ओके। इस फिल्ड विद द डायलैक्ट्रिक ऑफ डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट 3, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ कैपेसिटर्स बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डायलैक्ट्रिक इज। ठीक है, चलो भैया अब देखते हैं कि यहाँ कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी। यार एक बात बताओ, तुमने डायलैक्ट्रिक फिल करा दिया, स्विच को तुमने यहाँ से ओपन करा दिया, ठीक है, हमने डायलैक्ट्रिक फिल कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ की कैपेसिटेंस पहले से के मुकाबले कितनी हो गई? हो गए 3C। यहाँ की भी कितनी हो गई? 3C। जल्दी बताओ, समझ में आया नहीं आया? हो गए 3C। ठीक है, कोई परेशानी किसी को? ओके, सो हम इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल में और टोटल कैपेसिटेंस निकल गई हमारे पास में 6C। ठीक है, फाइनल एनर्जी हो जाएगी भाई अपने पास में 1/2 6C into V² इसका मतलब ये है कि उन्होंने स्विच को ओपन कराने के बाद में दोबारा क्लोज नहीं किया है। देखो बच्चों, पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, सुन लीजिए ध्यान से। अगर हमारे पास में ना कोई कैपेसिटर है कुछ इस तरीके का, और ये कैपेसिटर बैटरी के साथ में कनेक्ट है ऐसे, ठीक है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है सी, मैंने कोई डायलैक्ट्रिक फिल किया यहां पर, ऐसे डायलैक्ट्रिक फिल किया, तो डायलैक्ट्रिक को फिल करने से सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, सप्लाई कनेक्टेड है यहां पर कुछ इस तरीके से, मैंने कोई डायलैक्ट्रिक फिल किया, तो डायलैक्ट्रिक फिल करने से इसकी जो न्यू कैपेसिटेंस होगी वो हो जाएगी KC। समझ में आ रही बात? इसकी जो न्यू कैपेसिटेंस होगी वो कितनी हो जाएगी? KC। क्लियर हो गई बात? ओके, अच्छा भैया कैपेसिटेंस हो गई हमारे पास में KC। अगर रिमेन कनेक्टेड है ना बेटा, तो वोल्टेज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वोल्टेज सेम रहता है क्योंकि सप्लाई कॉन्टिन्यूसली उसे मिल रही है, सप्लाई तो मिल रही है ना उसे कॉन्टिन्यूसली। चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में? न्यू चार्ज कितना हो जाएगा? न्यू चार्ज होगा न्यू कैपेसिटेंस इंटू न्यू वोल्टेज। न्यू कैपेसिटेंस कितनी है हमारे पास में? KC। और न्यू वोल्टेज कितना है? V। तो CV पुराना चार्ज था, अब नया चार्ज हो गया हमारे पास में KQ। एनर्जी देखते हैं, अगर रिमेन कनेक्टेड है, एनर्जी का फॉर्मूला U′ = ½ C′V′² 1/2 C′ की जगह आएगा KC और यह है हमारे पास में V², ठीक है। सो हमारे पास में आ गया भैया U′ = K को बाहर ले लेंगे, क्या बन जाएगा अंदर हमारे पास में? 1/2 CV² यानी जो एनर्जी है वो हमारी कितने टाइम्स हो जाएगी? K टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। ये कंडीशन हमारे पास में होने वाली है। ये तो हो गया पहला केस। अब आइए आप दूसरे केस पर। देखो दूसरा केस क्या है भाई हमारे पास में बच्चों, ये है कैपेसिटर प्लस माइनस कैपेसिटेंस है इसकी C। हमने पहले से चार्ज कर दिया V वोल्टेज से, कर दिया चार्ज V वोल्टेज से, सर्किट को ब्रेक किया, सर्किट को तोड़ दिया, और सर्किट को ब्रेक करके यहाँ हमने एक मटेरियल को फिल करा दिया, और मटेरियल का जो कांस्टेंट है वो K है, मटेरियल का जो कांस्टेंट है वो K है हमारे पास में। समझ में आ रही बात? तो होगा क्या, सबसे पहले तो कैपेसिटेंस हमारी बढ़नी है, दोनों केस में कैपेसिटेंस बढ़नी है, जो कैपेसिटेंस है वो दोनों केस में हमारी क्या होनी है? इंक्रीज होनी है। कैपेसिटेंस हमारी बढ़ गई, कैपेसिटेंस की वैल्यू हो गई C′ = K × C। दूसरी बात अब आप समझिएगा, अगर आपने पहले कनेक्ट करके रखा था, मटेरियल को फिल कराया और फिर मटेरियल को आपने डिसकनेक्ट कर दिया, तो ऐसा करने से चार्ज जो है ना, चार्ज वो आपका सेम रहने वाला है, चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पहले चार्ज कितना था आपका? CV। नया चार्ज कितना हो गया? C′V′। नया चार्ज कितना हो गया आप लोगों का? C′V′। अब आप देखो CV, C′ की वैल्यू हो गई है KC, यह है V′, C से C कैंसिल आउट, V′ की वैल्यू हो गई बेटा हमारे पास में V/K। समझ आया? यानी अगर हमने प्लेटों के बीच में एक मटेरियल को फिल कराया और मटेरियल को फिल कराने के बाद में हमने उसे क्या कर दिया? डिसकनेक्ट कर दिया, तो उसका जो पोटेंशियल है वो इतना हो जाएगा V′ = V/K। अगर पोटेंशियल V′ = V/K होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा E′ = E/K हो जाएगा। अब बात करते हैं एनर्जी की, एनर्जी की कंडीशन क्या रहने वाली है?
सी डैश वी डैश स्क्वायर। अब बेटा मुझे आप बताइएगा, सी डैश कितना हो गया आपका के सी, और वी डैश कितना हो गया वी अपॉन के का होल स्क्वायर। सो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के सी वी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, ये कैंसिल आउट। यू डैश इज इक्वल टू मेरे पास में आ गया है कितना यू अपॉन के, जो एनर्जी रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी यू अपॉन के रह जाएगी मेरे पास में। समझ में आ रही बात, ये कंडीशन रहेगी। ये द रिमेन कनेक्टेड की कंडीशन, ये है डिस्कनेक्ट कराने की कंडीशन। अब आप इन्हें नोट कर लिए, अब हम करेंगे क्वेश्चन ट्राई। बताइए क्या पूछना चाहते हो, ये समझ में आया नहीं आया, इससे पहले नहीं पढ़ रखा तुमने ये? नहीं, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी थी तब पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? तो देखो क्या कंडीशन है बेटा, ये हमारे पास में कैपेसिटर है, सप्लाई के साथ कनेक्ट है, ठीक है? नहीं, सप्लाई वी वोल्टेज इसे दे रही है। अगर तुमने डाइलेक्ट्रिक को फिल करा दिया तो ऐसा थोड़ी कि सप्लाई की वैल्यू बढ़ जाएगी, सप्लाई तो वी वोल्टेज ही रहने वाली है हमारी। समझ में आ रही बात, तो हमने कहा पोटेंशियल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पोटेंशियल रिमेन कॉन्स्टेंट है। अच्छा, कैपेसिटेंस तो बढ़ने वाली है, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू कैपेसिटेंस इंटू न्यू वोल्टेज। न्यू कैपेसिटेंस कितनी हो गई के सी, वोल्टेज कितना है वी, सी वी को हम क्या लिख सकते हैं जो पुराने वाला चार्ज था, यानी अब हमारा चार्ज बढ़ चुका है, चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई है के क्यू हो गई है, ठीक है? एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, सी डैश हो गया के सी, वोल्टेज है वी स्क्वायर। समझ में आ रही बात, के को हमने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बन गया हाफ सी वी स्क्वायर, एनर्जी बढ़ गई हमारी के टाइम्स, ठीक है? अब यहाँ आते हैं, कैपेसिटेंस तो बढ़नी बढ़नी है, हर हालत में कैपेसिटेंस बढ़नी है। अब मुझे एक बात बताओ, तुमने एक कैपेसिटर को मान लो तुमने मुझे 10 रुपये दे दिए, ठीक है, कहा कि सर ये 10 रुपये आपके लिए हैं, ठीक है, सिर्फ आपके लिए, आपको किसी के साथ शेयर नहीं करने। अब थोड़ी देर में मेरे पास में आदित्य आ गया, ठीक है, आदित्य और ये समझ लो कि डायलैक्ट्रिक का काम कर रहा है, ये कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में डायलैक्ट्रिक चला गया, आदित्य मेरे पास में आ गया, वो मेरे पास में जो 10 रुपये है ना वही मुझे आदित्य के साथ में शेयर करने हैं, तो मेरे पास में 10 तो सेम ही है ना यहाँ पर। समझ में आ रही बात, तो हमने क्या कहा यहाँ पर कि भाई कैपेसिटेंस तो बढ़ गई, गैदरिंग तो ज्यादा हो गई, वहां पहले प्लेटें थी अब मटेरियल भी आ गया वहां पर, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई, लेकिन हम इसे सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर चुके हैं। सप्लाई से डिस्कनेक्ट क्या कर दिया हम लोगों ने, खत्म कर दिया। अगर सप्लाई से हमने डिस्कनेक्ट खत्म कर दिया तो जो एनर्जी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में एक बार आ चुकी थी वही रहेगी, चार्ज वही रहेगा। अब वो चार्ज दो जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक तो प्लेटों पर, एक मटेरियल पर। समझ में आ रही बात, इसीलिए चार्ज हमारा कितना हो गया, वोल्टेज हमारा कितना हो गया वी अपॉन के, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ई अपॉन के, एनर्जी हो गई यू अपॉन के, ठीक है? हाँ भाई समझ चुके हो? हाँ सेम, V डैश इज इक्वल टू V, E डैश इज इक्वल टू E। ठीक है, बढ़ू आगे अब? अरे जल्दी करो यार, ऐसे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। देखो अब बात सुनो, स्टार्टिंग में हमने एनर्जी निकाली, कितनी आई बेटा स्टार्टिंग में एनर्जी, यू इनिशियल इज इक्वल टू सी वी स्क्वायर, इसकी कैपेसिटेंस बढ़कर कितनी हो चुकी है और वोल्टेज घटकर कितना हो चुका है, डिस्कनेक्ट कर दिया ना, कैपेसिटेंस तो बढ़कर कैसी हो गई, वोल्टेज घटकर कितना हो गया वी के, नहीं समझे, कैपेसिटेंस बढ़कर कितनी हो गई, वोल्टेज बढ़कर कितना हो गया, एनर्जी बताओ कितनी हो गई इसकी, फाइनल एनर्जी कितनी हो गई, हाफ के सी वी अपॉन के का होल स्क्वायर। समझ में आई बात, और किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्यों करी दो से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये भी है और ये भी है, ठीक है? क्या बनी मेरे पास में कंडीशन जरा बताओ फाइनल एनर्जी की, ये दो से ये दो कैंसिल आउट हो गया, क्या बना मेरे पास में के सी, ये कितना हो गया वी स्क्वायर, ये कितना हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यू फाइनल इज इक्वल टू सी वी स्क्वायर अपॉन के, तो फाइनल एनर्जी हो गई मेरे पास में सी वी स्क्वायर अपॉन के, यू इनिशियल अपॉन यू फाइनल, सी वी स्क्वायर से सी वी स्क्वायर कैंसिल आउट, आंसर क्या बनेगा के अपॉन 1:3:1। हो सकता है कि आंसर गलत है इसके अंदर, शायद मुझे ऐसा लग रहा है आंसर सही नहीं है, आगे और भी क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर आंसर हम लोग करेक्ट कर लेंगे एक बार, ठीक है, मैच कर लेंगे। बाकी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है 3:1, इतना रहेगा आपका एनर्जी का रेशो। समझ चुके हो?
हो गया। ठीक है, अब दूसरा सेंस देखते हैं प्रॉब्लम का क्या बनेगा। ध्यान से देखो भाई, अगर इनिशियल एनर्जी आपकी आ गई सीवी स्क्वायर, ठीक, और हमने स्विच को कर दिया यहां से ओपन। ध्यान से, स्विच को आपने यहां से ओपन कर दिया ओपन, और ओपन करने के बाद में यहां आपने मटेरियल फिल करा दिया, यहां हमने मटेरियल फिल करा दिया। जो ये अभी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है ना, ये उस सिचुएशन में अगर स्विच यहां लगा हुआ होगा, स्विच अगर यहां लगा होगा, दोनों की सप्लाई पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो वो जो 3:1 है वो हमारा उस कंडीशन में आंसर रहेगा। यहां देखो, अगर हमने ये स्विच ओपन कर दिया स्विच ओपन, इसका तो काम खत्म हो गया हमारा, हमने ये स्विच ओपन कर दिया है, ठीक है। यहां मटेरियल फिल कर दिया हम लोगों ने, बताओ कितना क्या है उस कॉन्स्टेंट का मटेरियल, कॉन्स्टेंट क्या था, कॉन्स्टेंट की वैल्यू है 3, ठीक है। अब इसमें भी दो केस बनेंगे बेटा हमारे पास में, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये क्लियर नहीं है कि मटेरियल भरने के बाद आपने स्विच को बंद किया है या नहीं किया है। समझ में आ रही बात आप लोगों को, मटेरियल फिल कराने के बाद में आपने स्विच को क्लोज किया है या नहीं किया है। मैं दो सिचुएशन बना रहा हूं, कैसे, इनिशियल एनर्जी तो समझ गए ना कब निकली है हम लोगों ने, जब स्विच को हमने क्लोज कर रखा था, हमने स्विच को ओपन कर दिया स्विच को ओपन। जैसे स्विच को ओपन करेंगे, इसका काम क्या हुआ, खत्म हो गया, फिनिश, इसका कोई कनेक्शन नहीं रहा यहां से, सिर्फ इसका कनेक्शन है। इसकी कैपेसिटेंस बढ़कर कितनी हो गई, ये जल्दी बताओ, 3C हो गई है ना, 3C। ये बताओ, ये वाला कैपेसिटर अभी भी वोल्टेज से कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है, अरे बताओ जरा, है या नहीं है, वोल्टेज कितना रहेगा। तो फाइनल एनर्जी कितनी होगी इसकी हमारे पास में, 1/2 3CV2। अरे बोलो भाई, समझ आया। अब इनिशियल एनर्जी को हम किससे डिवाइड करेंगे, फाइनल एनर्जी से। इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, CV2। ये कितना हो गया अपने पास में, 3/2 CV2, कैंसिल आउट, आंसर क्या बन गया हमारे पास में, 2/3। ठीक है, ये उस कंडीशन में है कि जब हमने स्विच को क्या कर दिया है, ओपन, दोनों मटेरियल में डाइलेक्ट्रिक भरोगे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा आपका डाइलेक्ट्रिक भरने से, अगर आपने इसे क्या कर दिया, ओपन कर दिया यहां से, ठीक है, आपने यहां भी डाइलेक्ट्रिक फिल किया और यहां भी हमने डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया। इसकी एनर्जी भी वैसे निकाल सकते हैं हम लोग अगर निकालना चाहें तो, 1/2 3CV/3 का होल स्क्वायर, इसकी एनर्जी निकलेगी 1/2 3CV2/9 निकल जाएगा, 1/2 CV2/3। फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 3CV2 + CV2/6। क्या बनेगा एलसीएम बच्चों, 6, ये 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 9CV2 CV2। फाइनल एनर्जी इज 10CV2/6, सेकेंड कंडीशन। ये इनिशियल, ये फाइनल डिवाइड करेंगे, इनिशियल अपॉन फाइनल इज इक्वल टू CV2 10CV2/6, CV2 से CV2 3/5, ठीक है, करेक्ट आ जाएगा आंसर। तो पहला केस तो वो था कि जब स्विच यहां लगा हुआ है, जो मैंने इससे पहला आंसर आपको बताया था, स्टार्टिंग में दोनों कनेक्टेड थे, हमने रिमेन क्या कर दिया, इन दोनों का कनेक्शन हमने यहां से ब्रेक कर दिया, तो हमारा आंसर निकल गया था। इस केस में क्या है हमारे पास में, ये बताओ, मैं दोबारा से बता रहा हूं आप लोगों को, इनिशियल एनर्जी कितनी है हमारे पास में, जरा देखो, सबको क्लियर है इनिशियल एनर्जी कितनी है, एक कैपेसिटर की 1/2 CV2, दूसरे कैपेसिटर की 1/2 CV2, कितना आ गया, CV2। फाइनल एनर्जी देखते हैं कितनी होगी, 1/2, यहां अगर हमने मटेरियल फिल किया तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो गई, और यहां भी हमने मटेरियल फिल किया तो इसकी भी कैपेसिटेंस कितनी हो गई, लेकिन हमने इसे क्या कर दिया बच्चों, यहां से हम लोगों ने इसे यहां से डिस्कनेक्ट कर दिया, तो कैपेसिटेंस तो 3C हो गई, और कैपेसिटेंस के साथ साथ वोल्टेज हो गया V/3, हो गया वोल्टेज V/3, लेकिन ये तो अभी भी रिमेन कनेक्टेड है, तो इसका वोल्टेज कितना होगा हमारे पास में, V। तो बताओ फाइनल एनर्जी कितनी बनेगी, 1/2, कैपेसिटेंस कितनी है इसकी,
और वोल्टेज कितना है प्लस, दूसरे की कैपेसिटेंस कितनी है और वोल्टेज कितना है वी बाय थ्री का होल स्क्वायर। आगे समझ में क्या बनेगी फाइनल एनर्जी हमारे पास में, अभी हम लोगों ने निकाली थी कितनी आई थी 10/6 सी वी स्क्वायर, यही आई है ना, ये इनिशियल और ये फाइनल, यू इनिशियल अपॉन यू फाइनल इज इक्वल टू सी वी स्क्वायर 10/6 सी वी स्क्वायर, कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ऊपर पहुंच जाएगा तो ये बन जाएगा 3/5। ठीक है, आगे समझ में, ये बनेगी कंडीशन हमारे पास में। तो अब इस तरीके की प्रॉब्लम के सारे रिजल्ट आप लोगों को मिल गए ना, अगर रिमेन कनेक्टेड रहेगा भाई, कैपेसिटेंस तो हर हालत में बढ़नी है जब भी आप डाइलेक्ट्रिक उसके अंदर डालोगे, अगर रिमेन कनेक्टेड रहेगा तो वोल्टेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप डिस्कनेक्ट कर दोगे तो वोल्टेज उतना ही कम हो जाएगा जितनी कैपेसिटेंस बढ़ेगी। समझ में आ रही बात, उस हिसाब से हम लोगों ने एनर्जी कैलकुलेट कर दी, करिए नोट डाउन। और अगर यही स्विच आपका सीरीज में लगा होता तो उस कंडीशन में भी हमने बता दिया क्या होगा, समझ गए ना, अगर यही स्विच यहां होता तो क्या होता बच्चों, अगर यही स्विच यहां होता तो इसकी कैपेसिटेंस 3C होती और इसका वोल्टेज भी कितना हो जाता V/3, क्योंकि ये भी डिस्कनेक्ट हो गया, अगर स्विच यहां होता ये भी डिस्कनेक्ट हो गया और ये भी डिस्कनेक्ट हो गया उस कंडीशन के अंदर। नहीं आया समझ में, ठीक है, देखो आगे। अब इसके जैसे ही ना कई सवाल है, ये मैंने आज ही बताया आप लोगों को, अभी बताया जस्ट, कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज या पैरेलल, क्योंकि प्लेट के पैरेलल है लाइन जो है ना, वो प्लेट के पैरेलल है तो सीरीज कॉम्बिनेशन है। इसकी कैपेसिटेंस अलग निकालना, इसके अलग, हॉरिजॉन्टल रखा है बेटा, ये कैसा रखा है पता है ना, मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, अच्छा ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, कैसे पता चला पैरेलल है, प्लेट के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। कल की क्लास में ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन मैं स्लोप से बता चुका हूं आप लोगों को, किसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, किसकी कैपेसिटेंस कम होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने जस्ट किया, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, हो जाएगा ना पक्का। ठीक है, ओके, अब ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है, ये भी एनसीईआरटी का ही सही मायने में क्वेश्चन है। प्रॉब्लम क्या है जरा आप एक बार देख लीजिए, प्रॉब्लम यह है कि शो दैट द फोर्स ऑन ईच प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ क्यू ई, वेयर क्यू इज अ चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड ई इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट। वेरी इजी, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। ठीक है, देखो बात सुनो ध्यान से, एक प्लेट पर चार्ज है प्लस सिग्मा, एक प्लेट पर चार्ज है माइनस सिग्मा। ठीक है, हमें बताना है कि दोनों प्लेटों के बीच में इतना इलेक्ट्रिक, इतना फोर्स काम कर रहा होगा, इस पर प्लस इस पर माइनस, तो दोनों प्लेटें क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, अरे करेंगे या नहीं करेंगे, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ऐसे, प्लस वाली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ऐसे, बनेगा ऐसे। और पहली प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सी प्लेट आ रही है, दूसरी प्लेट आ रही है, नहीं समझे बात को भाई, पहली प्लेट का जो चार्ज है वो प्लस क्यू है, दूसरी प्लेट का जो चार्ज है वो माइनस क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, हम लोगों ने लेट कर लिया, वैसे तो दोनों की वजह से बनेगा, किसी भी एक की वजह से आप मान लो, दूसरी प्लेट पहली प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया हमारे पास में नेगेटिव, इस प्लेट पर कैसा चार्ज है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव से क्या होगा नेगेटिव, और नेगेटिव में क्या होगा रिपल्शन, प्लेट इस तरफ चलना स्टार्ट होगी, और इस तरफ जो फोर्स काम करेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, काम करेगा क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बेटा, अब एफ इज इक्वल टू क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू सिंगल प्लेट, मैं ये लिख सकता हूं इसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली प्लेट की वजह से होगा, समझ में आ रही बात,
मैंने इसे यहाँ लिखा एफ क्यू ई डैश। ई डैश का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल प्लेट, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू सिग्मा अपॉन टू एप्साइलन नॉट। समझ में आ रही बात? अच्छा अब देखो, ये जो सिग्मा अपॉन एप्साइलन नॉट होता है ना बेटा, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बिटवीन द प्लेट। सिग्मा अपॉन टू एप्साइलन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल प्लेट, और सिग्मा अपॉन एप्साइलन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ प्लेट। हम लोगों को प्रूफ करना है दोनों प्लेट के लिए। समझ में आ रही बात? तो हम इस सिग्मा अपॉन एप्साइलन नॉट को लिख देंगे E। क्या लिखेंगे? तो हमारे पास में क्या बन गया, हाफ क्यू ई। ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। वन मार्क्स में क्वेश्चन आता है, लेकिन दोनों में ना बच्चा बड़ा जल्दी कंफ्यूज होता है। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना आपको बिल्कुल भी, आपको समझना है कि ई डैश क्या है और ई क्या है। ई डैश क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल प्लेट। और ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ प्लेट। कहां? बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में। समझ में आ रही बात? ओके, सो क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास में क्या बन गया, एफ इज इक्वल टू हाफ क्यू ई। दोनों प्लेट के बीच में इतना फोर्स काम करने वाला है। नहीं आया समझ में? बोलो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई डैश। क्यू ई, ई डैश पता है ना क्या है, सिंगल प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ई क्या है, दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों प्लेट की वजह से, ठीक है। आगे समझ में? मतलब मैं समझा नहीं, ये वाली, तुम इस प्लेट को प्लेटिना लेट करो, तुम इसे सिंगल एक चार्ज मान लो, ठीक है। देखो फोर्स कब काम करता है, जब आप एक बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब फोर्स बेसिकली काम कब करेगा, जब दो बॉडी के इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या करेंगे, कोलैप्स करेंगे, करेंगे ना कोलैप्स। और फोर्स निकालने का तरीका क्या है, बेसिक तरीका क्या है, एक का चार्ज और दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड। होता है या नहीं होता है, एक का चार्ज और दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी अगर मैं कहूंगी जो दूसरे नंबर की प्लेट है ये किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है, दूसरे नंबर की जो प्लेट है वो किसके इलेक्ट्रिक फील्ड, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपने ऊपर तो कोई फोर्स लगाएगी नहीं, डेफिनेटली अपने ऊपर जो फोर्स लगाएगी वो दूसरी प्लेट की वजह से लगाएगी, और वो इतना फोर्स काम करेगा क्यू ई डैश, दूसरी प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा यहाँ पर। आगे ना समझ में? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके लिए, वायर नहीं शीट, हाँ वही मान के चल रहे हम लोग यहाँ, ये वायर नहीं है ये भी शीट ही है। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट शीट ही है हमारे पास में, ठीक है। और ये लॉन्ग ही मानकर चलते हैं, आप अपने 12th स्टैंडर्ड पे लॉन्ग ही मानकर चलते हैं कि दोनों काफी लंबी प्लेट है, ठीक है। समझ चुके हो भाई, या दोबारा से कोई एक्सप्लेन करना है मुझे, समझ गए हो ना? ये तो बहुत बेसिक और बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से बना दोगे आप लोग। थियोरेटिकल क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको लिखवा चुका हूं, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, ठीक है। नहीं, डायलैक्ट्रिक के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो कितनी होती है, हाफ सी वी स्क्वायर करके। डायलैक्ट्रिक कितने टाइप का होता है, डायलैक्ट्रिक के बारे में ही है सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड वगैरह का फॉर्मूला आप लोगों से पूछा गया है, तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आई थिंक आप बता पाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2016 में पूछा गया था, सिर्फ आपको बताने के लिए भाई कैसा क्वेश्चन बनता है, ऐसा मैंने इसलिए डाला है यहाँ पर। थियोरेटिकल क्वेश्चन कुछ इस तरीके का बनेगा आपके पास में, ठीक है। नहीं, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सब ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, वो थ्योरी का पार्ट है, वो कर लोगे आप आराम से। ये कल की क्लास में मैंने ग्राफ बनवाया था आप लोगों को याद है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, यहाँ कम हो जाएगा, यहाँ फिर मैक्सिमम, यहाँ कम हो जाएगा, यहाँ फिर मैक्सिमम। समझ में आ रही बात? ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है हमारा, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ये 2018 के सैंपल पेपर में था, CBSE के सैंपल पेपर में, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसे आप ध्यान से देखिएगा बेटा, ये प्रॉब्लम अच्छी है। देखो ये पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ है। देखो O से लेकर A तक पोटेंशियल बढ़ रहा है, A से लेकर B तक पोटेंशियल कांस्टेंट है, और B से लेकर C तक पोटेंशियल घट रहा है। हमारे पास में फॉर्मूला होता है भाई E इज इक्वल टू माइनस के डी वी अपॉन डी आर। होता है या नहीं होता है? हमें बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ। मैं इसी के नीचे बना देता हूँ तो थोड़ी आसानी रहेगी आप लोगों को। वाई एक्सिस पर है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स एक्सिस पर है डिस्टेंस, ठीक है। देखो कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान से देखो बेटा। यहां से लेकर यहां तक पोटेंशियल बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ेगा अगर V बढ़ेगा यहां पर, लेकिन ये नेगेटिव है ना यहां पर, तो
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी हमारे पास में। देखो स्ट्रेट लाइन का मतलब यह है कि पोटेंशियल कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ तो रहा है लेकिन कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? कॉन्स्टेंटली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ बनेगा यहां से लेकर यहां तक ऐसे नीचे की तरफ बनेगा नेगेटिव में, माइनस के ई नॉट, माइनस इसकी वजह से, क्योंकि V बढ़ रहा है तो V पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव में करेंगे तो E नेगेटिव आ जाएगा हमारे पास में। पोटेंशियल कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट और नेगेटिव। यहां से लेकर यहां तक पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है, जहां पोटेंशियल कॉन्स्टेंट होता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो। क्या होता है? जहां इलेक्ट्रिक, जहां पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है बिल्कुल, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, फ्लैट है बिल्कुल, है ना फ्लैट, यानी पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है। अगर पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इसके बाद पोटेंशियल क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। अगर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो ये नेगेटिव, और नेगेटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव में करेंगे तो क्या आएगा? तो इसके लिए ग्राफ बनेगा हमारे पास में ऐसा, और ये वैल्यू कहलाएगी हमारे पास में प्लस ई नॉट। ये बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ। बताओ समझे या नहीं समझे? ठीक है, यहां पोटेंशियल हमारा बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है और कॉन्स्टेंट है। नहीं समझ में आया? यहां पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहां पोटेंशियल घट रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है और पॉजिटिव है। ठीक है, इस फॉर्मूले से, पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्मूले से। ठीक है, हो गया, समझ आ गया? कोई परेशानी किसी को? इसका जो ए पार्ट है वो क्या है? टू इक्विपोटेंशियल सरफेस सरफेसेस इंटरसेक्ट, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर आता है। ठीक है, अच्छा पूछा है उसने, ठीक है, टू इक्वी, नहीं, आंसर होगा नो, नहीं कर सकते है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर उन्होंने इंटरसेक्ट कर लिया तो वो एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन बन जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। बाकी नीचे की कंडीशन समझ में आ गई सभी लोगों को? अरे बोलो भाई। ठीक ठीक, ये तो वही क्वेश्चन है, हो जाएगा ना? ये एनर्जी लॉस्ट वाला क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा, हाफ सी वन सी टू सी वन प्लस, अच्छा करा दिया, सेम कराया बिल्कुल। ठीक है चलो, अब हमारे पास में सिर्फ सर्किट के सवाल बच गए बेटा, अब हम सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और तो लगभग लगभग काम हमारा फिनिश हो गया, सिर्फ सर्किट के बचे हैं। अब इस कैपेसिटेंस में ना एक तो ग्राफ वाले सवाल, वो जो स्लोप वाले सवाल मैंने बताए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाएगा आप लोगों से। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्किट वाले सवाल मैं अभी आपको सिखा दूंगा, कॉमन पोटेंशियल और एनर्जी लॉस के सवाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्हें अच्छे तरीके से आप एक बार पढ़िएगा। चलो देखो क्या है भाई सर्किट में हमारे पास में, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा मैंने वैसे सॉल्व करवाना सिखा रखा है आप लोगों को जब पढ़ाया था, दोबारा से बता देते हैं एक बार। इनफाइनाइट तक जा रहा है सर्किट, कैपेसिटेंस बतानी है कितनी होगी। हमने क्या किया, ए और बी के बीच में टोटल कैपेसिटेंस मान ली है एक्स। देखो इसका तरीका देखना ध्यान से, ए और बी के बीच में टोटल कैपेसिटेंस क्या मान ली है? अच्छा, इसमें क्या किया जाता है बेटा, पहले बॉक्स को छोड़कर, ये पहला बॉक्स है, इसे छोड़कर जो पीछे की पूरी चेन है ना, उसे भी हम एक्स ही मान लेते हैं। डिफरेंशिएशन में भी ऐसे सवाल किए होंगे आप लोगों ने, किए थे डिफरेंशिएशन में ऐसे सवाल, ई की पावर वाई 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 इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है, नहीं किए शायद, मुझे लग रहा है नहीं किए डिफरेंशिएशन में। ऐसे तो बहुत क्वेश्चन आते हैं यार डिफरेंशिएशन में। आरडी शर्मा अगर आप लोगों ने करी है तो उसमें होंगे। देखो बेटा, ए और बी के बीच में हमने टोटल कैपेसिटेंस लेट की है एक्स, कितनी लेट की है? यहां की कैपेसिटेंस सी, यहां की भी सी और यहां की भी सी, पहले बॉक्स को छोड़कर हमने पीछे की कैपेसिटेंस को भी मान लिया है एक्स।
क्योंकि पूरा सर्किट इनफाइनाइट तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है? अगर पहले बॉक्स को छोड़ भी दिया तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, इनफाइनाइट तो बहुत लंबी चेन बन रही है। इसीलिए हमने पहले बॉक्स को छोड़कर पीछे के सर्किट को भी एक्स ही मान लिया है, क्योंकि टोटल कैपेसिटेंस एक्स है, तो यहां भी एक्स सेलेक्ट कर दिया मैंने। एक बॉक्स अगर छोड़ भी दिया लाखों बॉक्सेस के अंदर, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अब ये सी और ये एक्स काहे में है? पैरेलल में है या सीरीज में है? है भाई बच्चों, तुम्हें पैरेलल सीरीज का पहचान का पता नहीं है? ये हो गया सी, ये सी, ये दोनों है पैरेलल में, और पैरेलल में हो गया हमारे पास में सी प्लस एक्स। अब ये तीनों है सीरीज में, ये तीनों काहे में है, और इनका टोटल आंसर कितना है? एक्स। तो हम लिखेंगे 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस एक्स। बोलो समझ में आया नहीं आया? क्या बनेगी कंडीशन हमारे पास में? 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा? सी सी प्लस एक्स। यहां कितना आएगा? यहां कितना आएगा? और यहां कितना आएगा? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस सी एक्स, ठीक है, और ये बनेगा हमारे पास में सी सी और सी, थ्री सी एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर। बोलो बेटा समझ में आया या नहीं आया? अरे बोलो भाई, इन दोनों को इक्वल टू से उधर ले जाते हैं, टू एक्स स्क्वायर इसमें से इसे माइनस करेंगे, टू सी एक्स माइनस के सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। देखो टोटल कैपेसिटेंस आपने एक्स मान रखी है, क्या मान रखी है? तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको निकालना भी एक्स ही है। क्या निकालना है? कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना कैसे करेंगे बताओ? यहां एक्स स्क्वायर के सामने क्या लिखा है? टू। ए कितना हो गया? टू। बी कितना हो गया? टू सी। और सी कितना हो गया? कैपिटल सी कितना हो गया? माइनस सी स्क्वायर। समझ में आ रही बात? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहती है, कैसे निकाली जाएंगी वैल्यू? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के फोर ए सी अपॉन टू ए। वैल्यूज हैं आपके पास में, यहां उठाकर पुट करिए, यहां से क्या निकल जाएगा? एक्स, और एक्स आपकी कैपेसिटेंस कहलाएगी। जल्दी बताओ समझ में आया या नहीं आया? पक्का? ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कि कितना समझ में आया तुम्हें। ये सब वन दे रखे हैं बेटा, वन माइक्रोफेरड, ये सब वन दे रखे हैं, वन माइक्रोफेरड। कैसे करेंगे बताओ? बताओ वैशाली कैसे करेंगे? क्या 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 मानेंगे? एक्स, एक्स किसे मानेंगे पहले ये बताओ। ए और बी के बीच में टोटल कैपेसिटेंस हमने एक्स लेट कर दी, टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन ए और बी इज एक्स। पहले बॉक्स को छोड़कर पीछे का जितना भी पोर्शन है उसे भी क्या मानना पड़ेगा? एक्स। जितनी टोटल कैपेसिटेंस मानोगे ना उतना ही ये लेट करना पड़ेगा। जल्दी बोलो समझ में आया या नहीं आया? ये ए, ये बी, ये एक्स, ये कितना है? वन। ये कितना है? ये पूरा एक्स आ जाएगा यहां पर, एक्स और वन पैरेलल में क्या हो जाएगा? वन प्लस एक्स। नहीं समझे? अब ये तीनों सीरीज में और ये एक्स के इक्वल। सो वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स प्लस वन अपॉन वन। एलसीएम लेकर सॉल्व कर दो, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन प्लस वन, ठीक है, एक्स प्लस वन, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फैक्टर कर देना, आंसर आ जाएंगे। तुम्हें समझ में आया मिसबा? कैसे करेंगे बताओ स्टेप नंबर वन। एक्स आर सी ए बी सी डी जो तुम्हें पसंद हो वो मान लो, ऐसा जरूरी नहीं कि एक्स ही मानना है, ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगता हो वो लेट कर दो, लेकिन लिख देना वहां पर लेट द टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज एक्स या वाई या सी या आर, जो भी तुम लेट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? उसे छोड़कर पीछे वाले को भी क्या लेट कर लेना, वो जो यहां तुमने माना वही यहां लेट कर लेना, फिर सॉल्व कर लेना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है सॉल्व करनी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही करना, फैक्टर मत करना इसके, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही करना, एक बार बीच में प्लस एक बार बीच में माइनस, आंसर बन जाएगा आप लोगों का, हो जाएगा ना।
बोलो। ये फैक्टर से हो जाए तो अच्छी बात है, बाकी यह है कि अब फैक्टर तुम सोचोगे 2 मिनट खराब करोगे इसके ऊपर। अरे तू मैथ्स वाला है मेरे भाई, बायो वाले भी हैं इस दुनिया में, वे भी जीवित हैं, उनका भी अस्तित्व है यहाँ पर, ठीक है, उनका भी ख्याल कर। हो जाएगा। चलो देखो अब बात सुनो आगे। अरे ठीक है यार बोलो मत, यहां देखो ध्यान से। चलो अब कुछ सर्किट डायग्राम पर आ जाते हैं हम लोग। सर्किट डायग्राम हमें कैसे बनाने हैं, देखो यार ऑलमोस्ट सर्किट डायग्राम ना तुम्हें इसी तरीके के मिलेंगे, अगर इसी तरीके के नहीं मिलेंगे तो वो इस तरीके के बन जाएंगे आगे चलकर, ठीक है। नहीं ऑलमोस्ट जितने भी मिलेंगे, बाकी यह है कि आप एक जनरल तरीका सीखेगा कैसे हम कंडीशन बनाएंगे, ठीक। मान लो यहाँ की कैपेसिटेंस आपको दे रखी है 2 माइक्रोफेरड, यहाँ की है 4 माइक्रोफेरड, यहाँ की है 2 माइक्रोफेरड, यह है प्लस यह है माइनस, बैटरी का वोल्टेज आपको दे रखा है 40 वोल्ट, ठीक है। आपको हर एक कैपेसिटर पर चार्ज बताना है कितना होगा, फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है। कैसे बताओगे, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि बैटरी का पोटेंशियल कितना है। ये 40 का 40 वोल्ट पॉजिटिव पर मानकर चलते हैं, हम कहाँ मानकर चलते हैं, और नेगेटिव पर मानकर चलते हैं 0। यहां 40, बीच में कोई कैपेसिटर तो नहीं है, अरे है क्या, यहां 40 है तो बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, तो यहां भी 40 होगा। बीच में कोई कैपेसिटर तो नहीं है, यहां भी 40 होगा। यहां 0, बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0। आ गया समझ में, बोलो जल्दी से। हमने माना कि 40 वोल्ट अगर इस कैपेसिटर के अंदर से पास हो गया, तो 40 वोल्ट जब इसके अंदर से पास होगा तो ये कैपेसिटर 40 में से हल्का वोल्टेज अपने अंदर स्टोर कर लेगा, और 40 वोल्ट घटकर यहां रह जाएगा वी, कितना रह जाएगा। अब हम लगाने वाले हैं बेटा किरचॉफ्स लॉ यहां पर, हालांकि किरचॉफ्स लॉ हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं लेकिन वो यहां भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। कैसे लगेगा किरचॉफ लॉ, अब देखिएगा ध्यान से। किरचॉफ लॉ लगाने का तरीका, इसका चार्ज निकालिए, इसका चार्ज निकालने के लिए जंक्शन के वोल्टेज में से इस वोल्टेज को माइनस करिए, वी माइनस के 40। आगे पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच में ये कैपेसिटर आ रहा है, कैपेसिटेंस कितनी है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। प्लस अब इस कैपेसिटर के एक किनारे पर कितना है, वी, दूसरे किनारे पर वी में से 0 को माइनस करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4V। वी में से 0 को माइनस करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2V = 0। ये बेटा किरचॉफ्स लॉ है। कौन सा लॉ है, हमेशा जंक्शन के वोल्टेज में से दूसरे किनारे के वोल्टेज को माइनस करना, कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई करना। इसमें से इसे माइनस करेंगे, इससे मल्टीप्लाई, इसमें से इसे माइनस करेंगे, इससे मल्टीप्लाई, और इन सब का सम रहेगा हमारा 0 के इक्वल। चलिए सॉल्व करते हैं। 2V माइनस के 80 प्लस 4V प्लस 2V इज इक्वल टू 0। 8V इज इक्वल टू 80, बेटा V कितना निकल गया, 10 वोल्ट। V हमारा निकल चुका है 10 वोल्ट। अब मुझे एक बात बताओ, V का मतलब है कि यहां का पोटेंशियल 10 वोल्ट आ गया, यहां का पोटेंशियल 10 वोल्ट आ गया, कितना आया ये बताओ। इसे ऑफर कितना हुआ था, 40, और यहां से पास होकर सिर्फ कितना बच रहा है, तो यहां कितना स्टोर हो गया, यहां 30 वोल्ट स्टोर हो गया। आ गया समझ में, ये बताओ यहां कितना है, यहां से 10 वोल्ट चला, इसके अंदर से पास हुआ कितना बचा, यानी इसके अंदर कितना स्टोर हो गया, 10 वोल्ट। ऐसे ही 10 वोल्ट यहां से यहां गया तो यहां भी 10 वोल्ट स्टोर हो गया। इसका चार्ज निकालना है, कैसे निकालेंगे इसका चार्ज, इसका चार्ज निकालना है। इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 2, कितनी है, और वोल्टेज कितना है, मल्टीप्लाई करेंगे 60 माइक्रो कूलम, निकल गया 60 माइक्रो कूलम। कैपेसिटेंस कितनी है, 4, वोल्टेज कितना है, 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकलेगा, 40 माइक्रो कूलम, ठीक है। नंबर 3, कैपेसिटेंस 2, वोल्टेज 10, मल्टीप्लाई करेंगे 20 माइक्रो कूलम। आगे समझ में, एक का चार्ज 60, एक का चार्ज 40 और एक का चार्ज 20। एक दो क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, कर लीजिए पहले नोट डाउन।
ठीक है, अभी बता देता हूँ वो कॉन्सेप्ट है। उसका फॉर्मूला होता है ये रहा, C1E1 प्लस C2E2 अपॉन C1 प्लस C2 करके करना पड़ता है, कॉमन पोटेंशियल निकालना पड़ता है उसका। ऐसे लगा होगा ना, एक सेल यहां लगा है, एक कैपेसिटर यहां लगा है, एक सेल यहां लगा दिया और एक कैपेसिटर यहां लगा दिया, क्या तो यहां कैपेसिटर होगा या यहां सेल होगा, ऐसे होगा, ठीक है। नहीं तो इसकी कैपेसिटेंस सी और इसका वोल्टेज V1, इसका C2, इसका V2, मल्टीप्लाई करोगे सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, कॉमन पोटेंशियल निकल जाएगा आपका। क्या निकालना था इसके अंदर, ने पोटेंशियल डिफरेंस तो हो ही गया ऑलरेडी, वो एक का वी हो गया, एक कुछ और निकालना होगा, चार्ज वगैरह निकालना होगा। क्वेश्चन है आपके पास में अभी, बिना क्वेश्चन के कैसे बताया जाएगा बताओ। चलो पहले नोट कर लो, मैं देखता हूँ कुछ मिल जाए तो। पर हो गया, देखो आप, हो गया। बोलो मत भाई, बच्चों शांत रहो जरा। देखो बेटा ये है प्रॉब्लम, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और बोर्ड के लिए तो आपको सच में एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन ज़्यादातर प्रिपेयर करने चाहिए। अ नेटवर्क ऑफ 4 10 माइक्रो फेरेड कैपेसिटर्स इज कनेक्टेड टू ए 500 वोल्ट सप्लाई, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। पहला आंसर तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा, क्यों, ये तीनों सीरीज में है, तीनों काय में है, और 10 10 और 10 तीनों सीरीज में है, जो इनका आंसर आएगा वो इसके साथ पैरेलल में होगा, ठीक है। यानी ऐसी कंडीशन है ये, ऐसे ये ये और ये ऐसे ऐसे, बताओ निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, ठीक है। ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, तीनों को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो ये बन जाएगा 10/3, 10/ रेजिस्टेंस वाला मत लगा देना इसके अंदर, कैपेसिटेंस के रिजल्ट उल्टे होते हैं। और ये कितना है आपके साथ में, 10, ये ए है और ये क्या है बी, दोनों को पैडल में ऐड कर देना आंसर आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो हो गया ये, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमें कहा है द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। देखो भाई बात सुनो, ये बताओ यहां कितना वोल्टेज है, हम इस किनारे पर मान लेते हैं 500 और इस किनारे पर मान लेते हैं 0। अगर यहां 500 है तो यहां भी कितना होगा और यहां कितना होगा, इस कैपेसिटर की एक प्लेट 500 के साथ जुड़ी है, एक प्लेट 0 के साथ जुड़ी है, तो बताओ इस पर कितना चार्ज निकल जाएगा। इसका चार्ज निकलेगा Q4 इज इक्वल टू, कैपेसिटेंस कितनी है इसकी, 10, और पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 500, आंसर आ गया माइक्रो कूलम। समझ में आ गई बात। अच्छा अगर यहां 500 है तो इस ब्रांच में देखो बेटा, इस ब्रांच में कितने लगे हैं, इस ब्रांच में 3, यहां 0 है, यानी यहां तो इस अकेले को 500 मिल गया, यहां 500 इन 3 में बटेगा, बटेगा या नहीं बटेगा, तो बताओ इसकी इसके हिस्से में कितना वोल्टेज आएगा, इसके हिस्से में कितना आएगा, 500 अपॉन, इसके हिस्से में कितना आएगा, 500 अपॉन
और इसके हिस्से में कितना आएगा, 500/3। जल्दी से बताओ, समझ में आया नहीं आया। अब चार्ज निकालना है, किसी भी एक पर चार्ज निकाल दो, तीनों सीरीज में, सीरीज में चार्ज सेम रहता है, जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा, ठीक है। बताओ पीयू सी थ्री का चार्ज कितना होगा, अरे सी बताने दो यार, शांत रहो। कहाँ से करूं मल्टीप्लाई, कैपेसिटेंस से होती है मल्टीप्लाई। क्या होता है चार्ज का फॉर्मूला, वॉल्यूम। अच्छा क्या होता है चार्ज का फॉर्मूला, सी वी। सी कितना है भाई इसका, 10 माइक्रोफेरेड, और वोल्टेज है इतना। कितना आंसर आया, आ गया समझ में, कोई परेशानी है तो बताइए, क्लियर है ना बिल्कुल, ठीक। तो इतना इस तरीके से हम चार्ज कैलकुलेट करेंगे। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, उसे भी आप देख लीजिए, ये रहा। क्या कह रहे हो, ये वाला पीडीएफ भेज रखी है मैंने तुम्हारे पास में, नोट करना है क्या, नहीं करना है तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, समझ में आ गया कितना कितना चार्ज होगा। मुझे ऐसे लगता है कि तुम समझते कहो, मैं तो रटते ज़्यादा हो, और दो मिनट के लिए रट जाता है फिर भूल जाते हो तुम, ऐसा ही है। चलो ठीक है, नहीं रटते हो तो अच्छी बात है भाई। यहाँ आ जाइए जरा बेटा, दिख रही है प्रॉब्लम, कैसे करेंगे सॉल्व मुझे ये बताइए। ये वाला किनारा दिख रहा है, इसे यहां से इधर लेकर आ जाएंगे, कितना हो गया 100 पीको फेरेड, ये हो गई कंडीशन। इस किनारे को पकड़कर हमने इधर खोल दिया, इस किनारे को हमने इधर खोल दिया, बताओ ऐसा बन गया नहीं बन गया सर्किट, अरे बनाया नहीं बना। ये इस वाली ब्रांच में कितना था 100, ये यहां से घूमकर इधर आ गया, ऊपर में कितना है 100, 200 और 200 को सीरीज में जोड़ेंगे, इन्हें 200 सीरीज में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100 पीको फेरेड ही आ जाएगा। कौन से वाला, देखो ये वाला किनारा दिख रहा है ना तुम्हें, ये बैटरी लगी हुई है यहां पर, हम दोनों एंड को अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, इस नेगेटिव वाले को यहां से पकड़कर इधर ले गए, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी ब्रांच इधर चली जाएगी, चली जाएगी ना इधर पूरी ब्रांच, क्या बन जाएगा हमारे पास में ये। अच्छा ये पूरी ब्रांच अगर इधर चली गई, ये पूरा बॉक्स तो यहीं रहेगा, इस बॉक्स में ऊपर की तरफ कितना है 100, नीचे कितने हैं, ये दोनों सीरीज में, इन्हें सीरीज में कनेक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 100, और ये आ गया इधर, आगे समझ में। इस बार हम क्या करते हैं, देखो ये वाला टर्मिनल नेगेटिव था, इस बार 300 वोल्ट हम नेगेटिव पर मान लेते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई हमेशा पॉजिटिव पर ही मानना है, तो तुम्हारी इच्छा की बात है, अगर तुम सारा पोटेंशियल एक टर्मिनल पर मानोगे तो दूसरे पर तुम्हें जीरो लेट करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने 300 का 300 नेगेटिव पर ले लिया, तो यहां कितना पोटेंशियल आ गया मेरे पास में 300 वोल्ट, यहां कितना पोटेंशियल आ गया, जल्दी बताओ समझ में आया नहीं आया, यहां कितना है 100, यहां कितना है, और यहां भी कितना है 100 पीको फेरेड। ये 300 वोल्ट इसके अंदर से पास होगा तो यहां कितना बच जाएगा V, जब 300 वोल्ट इसके अंदर से पास होगा तो हल्का सा वोल्टेज ये अपने अंदर स्टोर कर लेगा और घटकर वो V बच जाएगा। यहां कितना है 0, यहां भी 0, यहां भी 0 और यहां भी 0, आगे समझ में। अब वही मेथड लगाओ जो सब अभी मैंने सिखाया था आप लोगों को, क्या सिखाया था मुझे ये बताओ, इसमें से इसे माइनस करो, इसकी मल्टीप्लाई करो, वी माइनस के 300 मल्टीप्लाई बाय 300 प्लस वी माइनस के 0 100 प्लस 100 इक्वल टू, कौन सा मेथड है ये, किरचॉफ्स लॉ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या है, यहां से वी कैलकुलेट हो जाएगा, आ जाएगा वी यहां पर, इसके पोटेंशियल में से इसके पोटेंशियल को माइनस करना, कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई करना, इसका चार्ज निकल जाएगा, ऐसे ही इसका चार्ज निकलेगा, ऐसे ही इसका चार्ज निकलेगा, बोलो समझ में आया नहीं आया, निकालो वी कितना आएगा यहां से। हो गया, अरे तुम्हें समझ में आ गया भाई, बताओ कौन सा बताना है,
देखो ये किनारे को हमने यहां से पकड़ के ना इधर से हम लोगों ने इस तरह एक्सपेंड कर दिया इसे, ठीक है, और इस छोटे से पॉइंट को, ये जो छोटा सा पॉइंट था, इसे यहां से ऊपर कर दिया हम लोगों ने, ठीक। अच्छा, ये पूरी ब्रांच को अगर हम इधर ले गए तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये ऐसे, ये ब्रांच यहां से पकड़कर पूरा इधर ले गए, ठीक। ये ऊपर वाली ब्रांच में कितना है, ये एक, नीचे वाली ब्रांच में कितने हैं, ये दो थे ना, दो। हमने इन दोनों को सीरीज में जोड़कर ये लगा दिया 100 पीको फेरेड। 200 को सीरीज में जोड़ोगे तो 100 ही आएगा, ये भी 100, ये हो गया 0, ये भी 100 पीको फेरेड, और यहाँ हो गया 300 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पोटेंशियल कितना बचेगा पास होकर, यहाँ 0, यहाँ 0, आगे ना समझ में, कितना आया अभी बताओ, 100 वोल्ट, समझ गए ना। अब इसका चार्ज निकालना है तो कैसे निकालोगे, ये 100 आ गया, 300 माइनस के 100 मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस, यहाँ का चार्ज निकल जाएगा, ठीक है।